पैसे कोई नहीं देंदे जी, ये मजदूरी करा लेने काम ही करो, पैसे कोई नहीं देंदे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਫਿਰ ਆਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਬਦਲੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੋ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਫਾ ਤੋ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ, ਕੈਸੇ ਆਪ ਲੋਗ ਸਭ? ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਮੇਂ ਹੈ। ਆਜ ਹੈ ਸੰਡੇ ਕਾ ਦਿਨ ਔਰ ਸੁਬਹ ਕੇ ਬਜੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 7। घर वालों ने आज सुबह सुबह उठा दिया क्योंकि आज मकान पे लेंटर पलना था और वहाँ पे जाना है, सारा दिन की एक्टिविटी है और वहाँ पे जाके काम शाम करना है। तो काम शाम करने वास्ते तो मैनू मौत पै जाती अगर मैनू काम करना पे तो, लेकिन चलो कोई नहीं, जाके थोड़ी देर खलोते जावांगे ना। काम करना मुश्किल है लेकिन नहीं, अपना काम हो तो फिर करना पड़ता है। तो अभी बस नाश्ता करना है और नाश्ता करके सीधा मकान पे पहुँचना है। तो बस अभी मैं ऐसे हल्की फुल्की बाहर वॉक के लिए आया हुआ था, अभी वॉक छोटी सी की है और अभी नाश्ता करना है, नाश्ता करके मकान पे जहाँ पे लेंटर पड़ रहा है। चलिए नाश्ता करते हैं और फिर लेंटर की तरफ। मैं प्लाट पे पहुँच चुका हूँ, मशीन लगी हुई थी पहले ही, मेरे आने से पहले मैं लेट हो चुका हूँ। अभी यहाँ पे जो लेंटर है वो दो फेस में चल रहा है और एक नीचे ये बेसमेंट है, इसकी बेसमेंट की जो फ्लोरिंग है उसके ऊपर भी लेंटर वाला जो मटेरियल है वो डाला जा रहा है, उसे फिलअप किया जा रहा है, उसकी बेस बनाई जा रही है और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसके बाद ये ऊपर वाला लेंटर है ये डालना है, यहाँ ये सारा डलेगा। अभी इसकी जो शटरिंग है वो अभी मुकम्मल नहीं हुई है, साथ साथ लेबर जो है वो कर रही है इसकी शटरिंग को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर मशीन लगी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रही, काम काफ़ी हद तक हो चुका है जी। भाई जान क्या पोजीशन है? पैसे कोई नहीं देंदे जी, ये मजदूरी करा लेने काम ही करो, पैसे कोई नहीं देंदे। तुसी कितने दिन तो काम कर रहे हो इत्थे? महीना हो गया तो अजे कहने फिर आना पता नहीं की मसला है। के दिहाड़ देने तुहानू? दिहाड़ भी सस्ती है जी, 700 रुपए दिहाड़ है। इस जुलम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे हम सब आपके साथ हैं। इमरान खान आ गया उन चीज़ें महंगा कर देती हैं, वो तो ये ले जे लोग मालिक लोग लखा ला रहे हैं लेकिन मजदूर नहीं पैसे दे। ये मालिक साहब हैं ये सामने, कमजोर हो गया, कमजोर नहीं हो गया काम कर दिया। आप अपनी जगह से ये भाई हैं जिनका मकान है, जिनके आज छत पे और नीचे बेसमेंट में ये फर्श के ऊपर लेंटर डल रहे हैं और इस टाइम परेशान काफ़ी हैं क्योंकि मजदूर जो हैं आपको पता है वो काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, सुनते किसी की नहीं है, मनमानी अपनी करते हैं, तो परेशानी तो होती है। वैसे मकान बनाना सौखा काम नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो नीचे वाली बेसमेंट है ये इसकी फ्लोरिंग का लेंटर मुकम्मल हो चुका है। ये आपको मैंने ये व्यू है बैक साइड पर, ये यहाँ पर लॉन बनेगा वो जो आपको सामने। काम तेजी के साथ जारी है। छत की शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है, बिजली का जो वायरिंग है वो वाला काम अभी चल रहा है। बिजली वाला हो गया, रह गया अभी कितना रह गया? अभी ये शेड रहता है। अच्छा शेड रहता है, ये शेड बाकी सब क्लियर हो गया, ये कह रहे हैं बस ये शेड रहता है।
ਸੀ। खाना आ चुका है और बस अभी बीच में एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा अगला सेटअप शुरू होगा। इस दौरान खाने के बाद काम दोबारा शुरू हो चुका है। मैं घर आ चुका हूँ, लेंटर मुकम्मल हो गया है। काफ़ी थकावट भी हो गई क्योंकि टफ काम होता है लिवर के साथ आगे पीछे भागना, और खसूसन जब तक उन लोगों के सर पे खड़े ना रहना वो काम नहीं करते। ढीठ लोग हैं, मतलब बार बार एक चीज को कहने के बावजूद भी वो काम नहीं करते। उनको कहा जाता है कि ये काम ये देखो, यहाँ पे सीमेंट का बैग है वो फटा हुआ था, उसको कहा ये फटा हुआ है इसको उठा के साइड पे कर दो। नहीं, उसने सुनना ही नहीं है, कहना ही यहाँ जी हो जाएगा, बस वापस आओ 10 मिनट बाद आके देखो वो चीज वहां पे पड़ी होती है, पानी कहीं से देखो लीक हो रहा है इसको बंद कर दो। नहीं ऐसे क्या वैसे ही है। तो मकान बनवाना वाकया बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन खैर करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, इसके बगैर हल भी नहीं है। इन लोगों के साथ हमारा वास्ता है, बस कोशिश की जाती है कि तरीके से इन लोगों से काम लिया जाए और जितना बेहतर हो सके इनसे प्यार मोहब्बत से काम करवाया जाए। अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कहता हूँ कि बुरे हैं, लेकिन अच्छे हैं। लेकिन आपके भाई को फिर पन आता है थोड़ा बहुत लोगों से काम कराने का। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कोई और एक्टिविटी नहीं है, और इसके साथ इस शेर के साथ बादशाह थे हम अपने मिजाज मस्ती के। क्या खूब शेर, बादशाह थे हम अपने मिजाज मस्ती के, इश्क ने तेरे दीदार का फकीर बना दिया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।